हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम एसके जॉन एंड यू आर वाचिंग एसके व्लॉग्स। तो फिलहाल मैं आया हूँ बाहर, है ना। अभी मतलब आज है उपवास, कल है, कल नहीं था, आज उपवास है हमारा, है ना। और अभी देखते हैं क्या होता। बाकी अभी कैंपर वाली गाड़ी आने वाली, कैंपर इधर रखा हुआ है ना। तो गाड़ी आ जाए फिर भरवा देते हैं। और बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रखा, थोड़े मोड़े बादल है, बाकी सूरज भी निकल चुका है, इधर आसमान बिल्कुल साफ है, इधर थोड़े से बादल है। बाकी बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कैंपर वगैरह रखे होंगे, है ना। देखते हैं, पापा ने अपने ये क्या कहते हैं कपड़े धोए हैं अपने पापा ने, मैंने शाम को धो दिया था एक ड्रेस। और अभी स्नान वगैरह करना बाकी है मेरा, तो स्नान वगैरह करने के बाद मैं देखता हूँ, है ना। चलो, और बाकी इधर कैंपर रखे हुए, अभी तक खाई नहीं है ना गड्डी, कब आती है देखता हूँ। तो गाइस फिलहाल हम खा रहे हैं फराली, है ना, ये वाली उपवास वाली जो होती है ना। 11 बज रहे हैं फिलहाल, और बैठा है इसको देख रहे हैं सौरभ जोशी को, और इधर बैठे हैं। चलो फिलहाल हो गए हैं लगभग, बज रहे हैं 4, है ना। और अभी हम बनाएंगे खाना वगैरह उपवास खोलने के लिए, है ना। अभी उपवास खोल देते हैं और बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई अंदर, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब क्या ही बताऊँ यार। और मुंह में छाले हो रखे हैं, पूरे बॉडी में गर्मी ज़्यादा हो गई हमें, है ना। मतलब क्या करूँ बताओ, कोई नहीं होता रहता है, छोटी मोटी छोटी रहती है। और बाकी इधर सब्जी बन रही है मस्त, आलू की और प्याज की सब्जी बनेगी, है ना। पवा भी बना देंगे, मैं इधर गोदूँगा आटा, आटा गोंद देता हूँ, है ना। और बाकी तो मौसम मस्त हो रहा है, बाहर दिखा देता हूँ एक बार, आज मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है ना। चलो मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, मौसम बड़ा ही अजीब है ना, बादल भी नहीं लग रहे लेकिन धुंध टाइप आ रखी है, और सूरज देखो कितना मंद सा हो रखा है ना। ये पता नहीं कैसी धुंध है ये, मतलब बादलों की धुंध है शायद, या फिर पता नहीं क्या है यार, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े मोड़े बादल है और बाकी सारी धुंध हो रखी है, आसमान बिल्कुल साफ नहीं है, है ना। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है छोटी मोटी। तो गाइस फिलहाल हम इसी टाइप से यहाँ पर डवा कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब हमारे पास आग वगैरह नहीं होती है, तो इसीलिए। और बाकी खाना वगैरह हो चुका है, मतलब कि दो जो क्या कहते हैं उपवास जो था व्रत खोल दिया है, और बाकी अभी क्या होने वाला है। मौसम बड़ा मस्त हो रहा है यार, अजीब और मस्त बोल सकते हैं, अजीब ही बोलूँ ज़्यादा, तो क्योंकि ज़्यादा मतलब ऐसे अजीब टाइप से लग रहा है थोड़ा सा, है ना। बाकी अभी बर्तन वगैरह धोते हैं और देखते हैं भाई, आसिफ तो आज गया होगा पोखरण, है ना, क्योंकि वो अभी छुट्टियों में पोखरण नहीं रहेगा ज़्यादातर, तो आसिफ बहुत कम आएगा इधर, है ना। और बाकी सब देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं होता, और शाम को देखता हूँ बाजार जाना है या नहीं जाना, है ना। बाकी अभी तो हो रहे हैं लगभग 5 बज रहे, तो देख लेता हूँ थोड़ी देर में, है ना, कुछ लाना है तो जाऊँगा, नहीं तो फिर रहने देते, है ना। चलो तो गाइस फिलहाल अभी तक है बादल वगैरह बहुत ज़्यादा, और सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है, बट अभी लग रहा है ऐसा, है ना। ये देखो सूर्यन के पीछे छुपा हुआ है बेचारा, और कुछ ऐसा माहौल हो रखा है, और धोरे पर काफ़ी लोग आ रखे हैं धोरे पर भी, है ना। दिखा देता हूँ जूम करके, लगता है कैमरा ख़राब हो गया है, कैमरा साफ़ करना पड़ेगा एक बार, है ना, साफ़ करता हूँ पहले। तो गाइस आज पता नहीं आसिफ को क्या हो गया, या तो ही रोने लग गया गाइस, लगता है इसके बाल बाल पूरे झड़ चुके हैं, इसलिए असर हो रहा है। आज दौरे पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। कैसे हो आसिफ, कैसे हो, कहाँ गए थे आज? लेफ्ट नॉर्थ। आज कहाँ गए थे तुम? लेफ्ट नॉर्थ आए। कहाँ गए थे तुम? लेफ्ट नॉर्थ। कहाँ गए थे तुम? रामदेर। रामदेर झूठ, झूठ। पोखरण गए थे बाबा रामदेव की पावन धरा पर। क्या करने गया था? दर्शन करने पोखरण के। किसके दर्शन किए? पोखरण के। क्या दर्शन किए? बाबा रामदेव दर्शन करने है तो फलोदी के कर। बाबा रामदेव की जय। पावन धरा पर। धरा पर क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया आपने वहां जाकर? आपने क्या किया? माखे मारी। माखे कहां पर थी? माखे यहां पर माखियां है ही नहीं गाइस, आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर कोई मक्खी नहीं है, क्योंकि मक्खी तो मक्खा बैठा है, मक्खा खुद बैठा है, मक्खी नहीं है, ये है मक्खा। भाई मक्खा जी कैसे हो? मक्खा जी, ओ मक्खा जी, पड़ी पड़ी क्या पड़ी पड़ी कहाँ पड़ी? अरे
झूठे प्राणी तुम कैसे हो? नहीं 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 मार्च अप्रैल 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 फूल लो दिन नूतन एक तारीख अप्रैल अप्रैल तुम अप्रैल है एक अप्रैल फूल क्यों नहीं कहोगे अप्रैल फूल क्यों कहोगे अप्रैल फूल मतलब कि फूलों का फूल अप्रैल फूल होता है बेटो बाकी अरे यार इस टाइम पानी वाली गाड़ी आई वो निकली अभी इधर से यार आज दिन में आई नहीं थी है ना तो मतलब दिक्कत हो गई यार मेरे तो है ना ये लुक रहा है शायद वहाँ कौन है कोई है तो नहीं तो हमारी अम्मी तो है नहीं वहाँ मैंने क्या देखेंगे मैंने कहाँ से क्या करना और सूर्य अभी निकला है बाहर बेचारा थोड़ा सा है ना ये देखो वाओ काफी बाहर निकला बाकी ये सब ये मूर्ख हो गया पागल इसलिए आज डीजे नहीं बज रहा है तो मैंने माइक का यूज नहीं लिया है ना क्यों डीजे वो पानी वाली गाड़ी है ही नहीं वो तो ऐसे ही जा रही है टंकी है ना अपनी नई घर बनावे थू बड़ा इन हो से तू नहीं कहा मैंने थोड़ी सोचा यार कहना थू होती कल देर में पड़ गई हो तू भाई है यार थू के नू नहीं पड़ो एड़ो ए क्या तो खड़ी पड़ जा हां क्या तो खड़ी तोई मेरे में जा पड़ डूब मर ये देखो गाइस ये क्या कह रहा है फिर मैंने यदि ऐसा कर दिया तो सारा ब्लेम इस पर आना चाहिए मैं व्लॉग डालने के बाद में वेरे में जाकर पढ़ जाऊंगा ठीक है आप लोग देख लेना ठीक है गाइस ठीक है कल से व्लॉग बन जाएगा मतलब अरे ओ तो आई डिफॉल्ट हां ये आएगा मतलब नहीं नहीं व्लॉग तो आएगा मैं वेरे में पढ़ूंगा फिर निकल के व्लॉग बनाकर फिर वापस पढ़ के फिर बनाकर ऐसे रहता रहूंगा वेरे में ही रहूंगा कुल मिलाकर अच्छे हाथ में व्लॉग चार्ट करो वेरे में कूद जाए जन हम गया नहीं गाइस यहां पर वेरा नहीं है मुझे वेरे के ढूंढना पड़ेगा कहां मुझे अच्छा वेरा चाहिए जिसमें मतलब सुगंधित तत्व डाले गए हो या फिर एकदम साफ सुथरा हो दाऊ जेड़े वेरे के अंदर मैं नहीं मर सकता ना क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान दाऊ जेड़े क्या मतलब होता है हकरा होगला कुछ भी मतलब कैसा भी दाऊ जेड़ा मतलब कुछ भी कैसा भी कुछ और ये देख सकते हैं आप सूर्य पूरी तरह से निकल गया है आजाद हो गया अरे थोड़ा थोड़ा निकला यार पहले बिल्कुल नहीं था आजाद अब आजाद हुआ है गुलामी से इन बादलों की गुलामी से आजाद होते हुए महान सूर्य देव अब इनका क्या होगा मुझे नहीं पता बादलों से बाहर आए हैं पैंट तुम्हारी उतरेगी हमारी कभी नहीं उतरती क्योंकि हम पैंट पहनते ही नहीं हम तो लोअर पहनते हैं लोअर लोअर सूर्य अस्त होने वाला है बहुत ही पास पहुंच गया बेचारा सूर्य गाइस इनके अभी ये सब्जी पड़ी है श्रवण विचार कर रहा है कि ये सब्जी ले लूं तो ये सुधरेगा नहीं श्रवण साला ये इनके पानी की टंकी भरी है जल्दी वाली पानी वो पानी पड़ी वाली पानी से ये क्या गैस सात बार गैस खत्म हो जाएगी गैस इसके पेट में बना हुआ होता है ना वो समाप्त हो जाता है कुछ इसकी फीलिंग समझो इस पेट की सर तू भाई क्या तो सब्जी लेना है क्यों ले बड़ा हाँ ये भाई करे सब्जी है क्या कहना क्या कहना कुत्ता ही खा जाते जी वो नहीं खा जाता कौन तो वाजी है पागल इंसान हम कोई स्टोर और सामान चुरा हम ऐसा कुछ नहीं करते इनकी चाबी वगैरह हमारे पास ही रहती है बस लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते वोटर ट्रॉल के अंदर रहती है फिर भी हम कुछ नहीं करते क्योंकि देखो यार विश्वास होता है एक विश्वास होता है और वो विश्वास हम तोड़ तो गाइस आसिफ कह रहा है कि फिलहाल मैं जा रहा हूँ तो चले जाओ भाई है ना क्योंकि ये बुक कर इसको क्या हुआ कि सुबह है ना जो इसको खाना खिलाया नहीं गया घर पर है ना और आता सुबह और ये पोकरण घूम कर आ रहा है तो अभी भूख लग गई तो ये जाएगा खाना वगैरह खाएगा और फिर लाइव में मिलेगा हमसे तो चलो आएगा जरूर आएगा लाइव में तो बहुत ही अच्छा बच्चा है ना चलो तो फिलहाल आसिफ जा रहा है ना चला गया बाहर फिलहाल पापा बाहर सो चुके हैं मैं तो अभी एडिटिंग वगैरह करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा है ना अभी 11 बज रहे हैं तो मुझे एडिटिंग करनी है फिर ये होगा क्या कहते हैं गैलरी में अपलोड होगा फिर 12 बजेंगे तब लाइव स्टार्ट करके रखनी है और इसको भी अपलोड करना पड़ेगा फिर मैं यहीं सो जाऊँगा क्योंकि बाहर फिर ठंड होने लग जाती है धीरे धीरे ज़्यादा ही है ना तो धीमा कर लूँगा फैन को थोड़ा सा और यहीं पर सो जाऊँगा बाकी पापा इधर सो रखे हैं है ना बाहर ही अभी सोए हैं जस्ट मैं उधर सोता था लेकिन अभी नहीं सो रहा हूँ वहाँ पर और अभी आ गए वापस से यहाँ पड़ोसी हमारे जो कि हैं क्या कहते हैं वर्कर्स हैं क्या कहते हैं
शिल्पकार कह लो वो है। तो चलो बस अभी तो कुछ है नहीं, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।